नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 150 बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसका पार्ट वन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, जिसमें आपके लिए मैंने 150 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब मैं आपको 150 से आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब 151 से। इस वीडियो में मैं आपके लिए दो पार्ट में क्वेश्चंस जो लेकर आया हूं, इससे पहले वाला वीडियोस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लिक करके आप इससे पहले वाली लिंक को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से खाते हैं? तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से खाते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो वसीय ऊतक में मानव शरीर में वसा जमा होता है। ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह क्यों कर पाता है? तो वह अपने कूमड़ में जमा चिकनाई का प्रयोग करता है, इसीलिए वह ज़्यादा दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ में है? तो फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति से है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज का प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। सागरीय खरपतवार जो है वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? तो उपास्थियों और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में कैल्शियम आवश्यक है। दाश्र कशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो अरक्तता जो है वो लाल रुधिर कोशिकाओं या लाल रक्त कणिकाओं की कमी के कारण शरीर में होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली। प्रचुरतम मात्रा में सोयाबीन और मूंगफली प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों के कौन कौन कहें तो सम्मिलित हैं? तो कैल्शियम और पोटेशियम इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में क्या विद्यमान है? तो सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही कैल्शियम रहता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन का संबंध कौन सा है जो रक्त का थक्का जमाने से संबंधित है? विटामिन, तो विटामिन के इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन जो है 50% उपस्थित होती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो पत्तेदार हरी सब्जियां जो होती हैं उनमें आयरन पाया जाता है। मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो डाईयूरेटिक यूरिन के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कहलाती है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटे होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी संबंधित है। हैजा का कारण क्या है? तो जीवाणु हैजा का मुख्य कारण है। किसके जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं कौन सी विषाणु के कारण होता है? तो H5N1 विषाणु के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा अर्थात बर्ड फ्लू होता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। बैरियम मील का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो आहार नली में एक्सरे कराने के लिए बैरियम मील का प्रयोग करते हैं। पहले बैरियम मील आहार नाल में पहुंचाते हैं, देन एक्सरे करने पर आहार नाल का अच्छा एक्सरे प्राप्त होता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गुर्दे में पथरी का प्रयोग करने के लिए पता करने के लिए माफ करिएगा CT स्कैन का प्रयोग करते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से कैंसर हो सकता है, उसमें और से कौन से कैंसर जनक यौगिक होते हैं? उसमें वसे की मात्रा जो है अधिक होती है जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर की अधिक विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति किसे कहते हैं? तो एस्कीमिया मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त अपर्याप्त आपूर्ति, मतलब जितनी ज़रूरत है शरीर में वो ना है, उतनी नहीं है, तो एस्कीमिया रोग होता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है तो सल्मोना टाइफी के द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। BCG प्रतिरक्षण किसके लिए दिया जाता है? तो TB के लिए दिया जाता है BCG प्रतिरक्षण।
कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वसा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन या क्या मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त करा जाता है? तो तपेदिक के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए बीसीजी के टीके का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी एक प्रकार से प्रोटीन्स हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीजिया, पूर्ण स्मृति लोप मतलब पूरी तरीके से आप याददाश्त भूल जाना। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो फ्लू बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। अरक्तता किसकी मात्रा कम हो जाने से होती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से अरक्तता होती है। स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला हो जाता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस वायु के माध्यम से फैलता है। अन्न सेरेलैक एक समृद्ध स्रोत है, तो सेरेलैक अन्न स्टार्च का समृद्ध स्रोत है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों में विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन चाहिए उनके लिए सबसे ज़्यादा। पीत ज्वर संचरित किया जाता है, तो एडीज के द्वारा पीत ज्वर संचरित किया जाता है। मानव में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय की जांच के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड रक्ताधान द्वारा फैलता है। बाकी ऑप्शनल भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर एड्स भी हो सकता है। कई रोग ऐसे हैं जो रक्ताधान से फैलते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन का। विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में क्या होता है? तो अरक्तता की कमी, अरक्तता विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुषों में हो जाता है। पीलिया का प्रतीक तो यकृत की बीमारी होती है, पीलिया एक प्रकार से। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किसका किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षों का समावेश करते हैं चेचक के टीकाकरण में। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो डायबिटीज मेलिडस बोलते हैं, अगर रक्त में शुगर बढ़ जाती है तो। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। मीना माता रोग का कारण क्या है? तो पारे की अधिकता मीना माता रोग का कारण है। अनुवांशिकी रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया यौन से संबंधित रोग है। जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारक क्या है? तो विषाणु जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारक है। दोषयुक्त किडनी वाले व्यक्तियों के लिए डायलिसिस प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन सा प्रक्रम निहित होता है? तो परासरण का प्रक्रम निहित होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ EEG का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो मस्तिष्क की जांच के लिए EEG का प्रयोग करते हैं। कैसीन दुग्ध में क्या होता है? तो कैसीन दुग्ध में प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। किसकी उपस्थिति कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति कारण दूध में मिठास आ जाती है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना जाता है, कारण क्या है? तो जापानी एंसेफ्लाइटिस को रोकने के लिए सुअरों को मानव रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाता है। घात करो और छिप जाओ के नाम से कौन सा विषाणु विख्यात है? तो RSV विषाणु घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, कारण क्या है? तो तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कोलेस्ट्रॉल जंतु में वसा उपस्थित वसी अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मात्रा में लघु मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करना भोजन में नमक का प्रमुख उपयोग है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कैल्सीफेरॉल कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन काम करने के लिए कितना प्रोटीन चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए कार्यशील महिला के लिए। एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज़ को अगर आप सूंघ नहीं पाते हैं तो इसका मतलब एनोस्मिया बीमारी है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, कारण क्या है? क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है।
न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद कौन से कहलाते हैं? तो वे पौधा जिनमें औषधि के साथ साथ पोषक गुण भी हों वो न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद कहलाते हैं। जैसे तुलसी, अदरक, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक शर्करा या कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग होता है। संतुलित आहार में क्या क्या होता है? तो संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सब होता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो पौधों में स्टार्च में और ग्लूकोज के रूप में जंतुओं में जो है कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति या हृदय में रक्त की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पर पता चला? तो दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पता पहले जापान में चला। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। काला जार का रोग वाहक क्या है? तो सिकता मक्खी काला जार का रोग वाहक है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? तो लुई पाश्चर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया। श्वेत फुफ्फुस रोग किसमें पाया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के शरीर में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई की दवा कौन सी है? तो एड्स जीडोवुडीन या जीडोवुडीन AZT एड्स की विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई की दवा है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। एस्बेस्टॉस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो एम्फेसेमा एस्बेस्टॉस के कारण होने वाला रोग है फेफड़ों संबंधित। स्कर्वी रोग के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? तो आंवले का प्रयोग करते हैं क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी आंवले में बहुत अच्छा पाया जाता है इसीलिए स्कर्वी के रोग के इलाज के लिए आंवले का प्रयोग करते हैं। BMD बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपेरेसिस मतलब हड्डियों की क्षमता के पता करने के लिए BMD परीक्षण करते हैं। एड्स किससे होता है? तो विषाणु से फैलता है एड्स। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग किससे मरते हैं? तो यकृत सिरोसिस उनका लिवर खराब हो जाता है सिरोसिस से मरते हैं। सरल गणगण जिसको घेंगा रोग भी बोलते हैं किससे प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। मलेरिया का संक्रमण चरण क्या है? तो स्पायरोजाइट मलेरिया का संक्रामक चरण है। कौन सा कवकीय रोग है? तो एक्जिमा कवकीय रोग है जिसको आप दांत खाज खुजली के नाम से भी जानते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा किससे होती है? तो DNA विषाणु के द्वारा छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा होती है। काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग से काली प्लेग को काली मौत कहा जाता है चूहों के कारण फैलता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। थायमिन क्या है? तो थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। मानव के अंगों की हड्डियां मुड़ी जाती हैं क्यों? तो विटामिन डी की कमी के कारण मानव की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं मुड़ जाती हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का अन्य नाम है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो 4000 किलो कैलोरी एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साइनोकोबालमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। विटामिन जो खट्टे फलों में मौजूद होता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है तो विटामिन सी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? इन शॉर्ट विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शिफेरॉल रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। मनुष्य के नेत्रों का स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आवश्यक है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। कौन सी बीमारी छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन ए एंड विटामिन सी और विटामिन बी
छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेविनस ने किया। जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु को फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कहलाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका भित्ति प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 बनेंगे। 1 घंटे में प्रति मिनट 20, यानी कि 1 मिनट में 20, फिर अगले मिनट में इसके 20, फिर अगले मिनट में इसके 20, इसके 20, इसके 20, इसके 20, फिर अगले मिनट में इसके 20, इसके 20, इसके 20, इसके 20, ऐसे करते करते 1 घंटे में 64 जीवाणु बनेंगे। नाइट्रोजन यौगीकरण कौन सी फसल सहायक है? तो फली वाली फसलें जो है नाइट्रोजन के यौगीकरण के लिए सहायक हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना लैग हीमोग्लोबिन का काम है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शनल रहेगा, तपेदिक यहाँ पर आंसर है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से क्या कहलाती है? तो जीव विज्ञान कहलाती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एल्गी अर्थात शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इकोसिस्टम के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु? तो माइकोबैक्टीरियम के कारण टीबी उत्पन्न होती है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या है? तो वर्णकी लवक बैक्टीरिया में पाया जाता है। हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। तपेदिक का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया तपेदिक का कारण है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। प्रशीतन का मतलब क्या होता है? फ्रिज। कैसे मदद करता है? तो खाने में बैक्टीरिया या जैव रासायनिक की अभिक्रिया को धीरे कर देता है, तो चीज़ें खराब नहीं होती हैं। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो जीवाणु की सहायता से उनका कंपोस्ट या खाद बना दिया जाता है। किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। एड्स वायरस क्या है? तो एक सूची आरएनए एड्स का वायरस है। एड्स का कारण वायरस है। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस। शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। विषाणु क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु से होता है। विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर चेचक है। ऑप्शनल क्वेश्चन, इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु से होता है। आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। तंबाकू में मोजेक रोग भी विषाणु के कारण ही होता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। एक वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो पेनिसिलिन एक प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो कवक से होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों में बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लाइकेन जिनमें दो वर्ग के पौधों को मिलकर बनता है, तो कौन कौन से? कवक और शैवाल से लाइकेन बनता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। साबूदाना किससे बनता है? तो साइकस से बनता है साबूदाना। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन क्या है? तो इफेड्रा से प्राप्त होती है इफेड्रिन औषधि। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो जिंक गो एक जीवित जीवाश्म है। विषाणु वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करता है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। कुरिंजी फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है, कारण क्या है? तो फ्लोरिजन के स्त्राव के कारण ऐसा होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प? तो बुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। फूल गोभी में पौधे का कौन सा उपयोगी भाग होता है? तो ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प। प्याज का खाद्य भाग तना है। आलू रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीश
पौधे के भाग से जो प्राप्त किया जाता है, तने और पुष्प से निकलने वाले जो लिक्विड है, लेटेक्स है, उससे हशीश प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। पौधे व पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अधिकतम प्रोटीन सोयाबीन में होता है। सिंकोना की छाल प्राप्त की जाती है। मलेरिया को औषधि के रूप में उपचार करने के लिए किस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया गया? तो क्लोरोपिक्विन के कारण सिंकोना की छाल को प्रतिस्थापित कर दिया गया। कौन सी फसल मृदा नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दालचीनी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। चंदन के पेड़ का नाम क्या है? चंदन का पेड़ क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। मतलब जिस पेड़ के बगल में चंदन का पेड़ रहता है, चंदन का पेड़ पूरा का पूरा पोषक तत्व तो उसी पेड़ का खींचकर अपने आप को एक प्रकार से कहें तो डेवलप करता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों का जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो उभयलिंगी कहलाते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरोटीनॉइड के कारण लाल, नारंगी और पीला रंग पाया जाता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित हैं? तो तीन पादप परिवारों से अलग अलग। वसा को किसमें वर्गीकृत किया गया है? माफ करिएगा, बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो बांस एक प्रकार से रूपांतरित घास है। मैंने पार्ट वन में आपके लिए 150 क्वेश्चन कराए। पार्ट वन में मैंने आपके लिए 150 क्वेश्चन से ज़्यादा करा दिए। मैंने पार्ट वन में आपके लिए 150 क्वेश्चन प्लस 44 क्वेश्चन और करा दिए। तो ये सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके लिए इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। कल मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो को नोटिफिकेशंस ऑन करते हुए ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन करिए। अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर अपनी लाइव क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे। फ्री क्लासेस हैं, आप जुड़ सकते हैं। सभी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आप अभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। और इससे पहले वाले वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।